जैसे मैंने आपको सुबह बताया कि राहुल द्रविड इंटरिम कोच बन सकते हैं हिंदुस्तान के न्यूजीलैंड के भारत दौरे पर। मेरा नाम सौरभ वेदवंशी और मेरे साथ है कृषिंदु, जो कि हमें बताएंगे पर्दे के पीछे चल क्या रहा है, बीसीसीआई सोर्सेस क्या बता रहे हैं। कृषिंदु, आपको क्या सीन है यार, राहुल द्रविड को मान के चलें कोच बन रहे हैं? जितना मुझे बताया कि हाँ, बीसीसीआई का सोर्सेस मुझे बताया थे कि बीसीसीआई ऑलरेडी अप्रोच किए हैं राहुल द्रविड को, बिकॉज इंडिया के जितने भी अभी तक कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि बीसीसीआई ने कोई टेंडर अभी तक दिया नहीं, है राइट, तो इसीलिए कोई अप्लाई नहीं किया ऑफिशियली। ओह यस, दैट मेक्स इट मेक्स द थिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर बीसीसीआई टू अपॉइंट न्यू कोच बिफोर द न्यूजीलैंड सीरीज, राइट, स्पेशली विद, आई मीन दे हैव ओनली 3 डेज, सो वर्ल्ड कप फाइनल इज ऑन 14th ऑफ नवंबर, राइट, या एंड द सीरीज स्टार्ट, द T20 सीरीज स्टार्ट्स ऑन 17th, सो obviously it is not possible for BCCI to conduct coaching itni jaldi upar, right, because most of the BCCI officials are already in UAE, yes, because of the T20 World Cup and before that IPL, so it won't be possible for BCCI to have a coach for the New Zealand series. So yeah, definitely Rahul Dravid has been approached, but here the thing is Rahul Dravid hasn't yet accepted the it is likely that he will obviously will accept the role, right, but for the time being he hasn't, right, so that is why BCCI hasn't yet officially confirmed his appointment as the coach for the New Zealand series, right. aur bahut important baat Krishindu ne yahan batayi ki abhi accept nahi kiya Rahul Dravid ne, aur ek aur important cheez yahan se kya nikal ke aa rahi hai, jaise wo bata rahe hain from jo unhone baat kari BCCI source se, ki yahan par BCCI ne jo deadline hai coaching wali, you know, एक्सेप्ट एप्लीकेशंस की, वो बढ़ा दी है क्योंकि अभी समय नहीं है, सारा स्टाफ आपका वहाँ बैठा है, यूएई में बैठा है, और वो चाहते हैं कि जो कैंडिडेट आए वो वर्दी इनफ हो और लॉन्ग टर्म क्वालिटी बंदे को सिलेक्ट करें, तो और अभी एज ऑफ नाउ घर से काम चलाया जा रहा है, और घर में इतना अच्छा लेजेंडरी प्लेयर है यार, तो यूज़ करना चाहिए, क्यों नहीं? एग्जैक्टली, और राहुल द्रविड ऑलरेडी कोच कर चुके हैं, और मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो अभी इंडियन सेटअप में हैं, बिल्कुल, दे हैव बीन ट्रेन्ड बाय राहुल द्रविड, बिल्कुल, अंडर 19 लेवल पे, जैसे बता रहे हैं किशन, शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज आल्सो, बिल्कुल बिल्कुल, ऑन इंडिया ए टूर्स, तो जो जितने भी प्लेयर्स है दे हैव बीन ट्रेन्ड बाय राहुल द्रविड, केएल राहुल हु इज राइट नाउ वन ऑफ द मोस्ट सीनियर बैट्समैन इन टीम इंडिया, हैज काइंड ऑफ, राहुल द्रविड हैज सीन हिम अप क्लोज ऑफ हिज कर्नाटका बैकग्राउंड, तो बैंगलोर बॉय, एग्जैक्टली, तो ही इज अवेयर ऑफ एवरीथिंग, राहुल केएल राहुल वाज एक्चुअली कॉल्ड जूनियर राहुल द्रविड, बिल्कुल, बिकॉज़ ऑफ द सिमिलरिटीज, यस एंड अप्रोच, नाम भी रखा गया केएल राहुल, यू नो, एग्जैक्टली, राइट, सो ही इज वेरी अवेयर ऑफ द टीम एंड द सेटअप्स एंड एवरीवन अराउंड, एंड ही ऑब्वियसली ही इज टेकिंग टाइम, राइट, बट most probably, yes, he is going to accept. Most probably chances है कि राहुल द्रविड एक्सेप्ट कर लें, जैसे कृषिंदु ने यहाँ बताया, और राहुल द्रविड के बारे में मतलब जितनी भी तारीफ की जाए कम है, जो सेटअप के बारे में बताया, और कृषिंदु एक चीज़ आपने नोटिस करी, जब से राहुल द्रविड को अंडर 19 किया इंडिया ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, उसके बाद ऑब्वियसली यू नो फ्रेश टैलेंट कमाल का आया पूरे हिंदुस्तान में, आपने देखा नए नए लड़के कितने सारे स्टार्स दे दिए। उसके अलावा एक और चीज़ हुई है, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, जितने भी हमारी कंट्रीज हैं, सब लोग अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या राहुल द्रविड़ जैसा बंदा कोई हमारे अंडर 19 में स्टार प्लेयर को लेके आया जाए, जैसे कि श्रीलंका ने स्टार्टेड, राइट, वहाँ पर यूनिस खान को बोला था पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये ट्रेंड सेटर हुआ है डिसीजन बीसीसीआई का, अंडर 19 लेवल पे लाना राहुल द्रविड़ को, एवरीवन इज इन्वॉल्विंग देयर फॉर्मर ग्रेट्स अंडर 19 लेवल पे, ताकि ग्रास रूट पे काम किया जा सके। सेकेंडली आपने बताया मोस्ट प्रोबब्ली ही विल एक्सेप्ट इट, और कोई कोच ऐसा नजर आ रहा है लॉन्ग टर्म में? आप मान लीजिए राहुल द्रविड एक्सेप्ट करते हैं और फिर चले जाते हैं, लॉन्ग टर्म एक्सेप्ट नहीं करेंगे शायद, राइट? नहीं, राहुल द्रविड इज नेवर गोइंग टू एक्सेप्ट इट लॉन्ग टाइम, फर्स्ट ही हैज कमिटमेंट्स टू हिज फैमिली, राइट, एंड सिंस एनसी इज इन बैंगलोर इट इज वेरी इजी उनके लिए, या एब्सोल्युटली, आई मीन, अच्छा, वो कृषिंदु बता रहे हैं कि एनसी ऑब्वियसली बैंगलोर में है और वो बैंगलोर में ही रहते हैं राहुल द्रविड, तो उनके लिए इजी है वहां पर कम्यूट करना, टाइम देना, ही इज हाउस इज इन इंदिरा नगर एंड ही एनसी ऑफिस इज इन near MG Road. Okay. It's not very far. And for Rahul Dravid to roam around with Indian team players, that will not be possible for him right now. He has commitments and his son is also growing up. Bilkul. He is playing club cricket in Karnataka. Bilkul. Bilkul. Acha. Okay. That is why he is not accepting the role full time. Bilkul. Aur apne ad dekha hoga Indira Nagar ka gunda hu. Ab samajh mein aaya aapko ki Indira Nagar mein hi rehte hain Rahul Dravid, isliye wo reason hai. To yahan par basically जो हम लोग ने यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी कृषिंदु ने यहाँ पर, कि मोस्ट प्रोबेबली ही विल एक्सेप्ट इंटरिम कोच फॉर न्यूजीलैंड, पर लेकिन न्यूजीलैंड के बाद
बहुत कम चांसेस हैं कि लॉन्ग टर्म कोचिंग रोल के लिए राहुल द्रविड़ एक्सेप्ट करें, राइट? यस यस बिल्कुल. लास्ट टाइम आई स्पोक टू राहुल द्रविड़ बैक इन कर्नाटक बेंगलोर, ही सेड ही वाज मोर विलिंग टू टीच लेसंस टू बैटिंग लेसंस टू गिव लेसंस टू प्लेयर्स रादर देन I mean, coaching, getting a full time coaching mein jana, right? And he was more interested in nurturing players, not like having. I mean, you cannot teach Virat Kohli. बिल्कुल बिल्कुल. उस level पे जब पहुंच जाते हैं. You can teach Prithvi Shaw batting, but not Virat Kohli. अगर आपको काम करना है तो जिस level पे वो काम कर रहे हैं batting पे, जैसे बता रहे हैं. Exactly. Under 19 level पे, under 15 level पे वहाँ काम होता है batting पे. For the coach to lead. India full time, it would be more of a management job. Managerial job हो जाएगा और वो राहुल द्रविड़ नहीं चाहते हैं. राहुल द्रविड़ इज नॉट रियली इंटरेस्टेड. उस टाइप के बंदे नहीं है वो. उस टाइप के इंडिविजुअल नहीं है जो कि आपने प्लेइंग डेज में भी देखा होगा. वो सिर्फ अपनी बैटिंग पे फोकस करते थे और जब भी उन्हें कोई आउट नहीं कर पाता था इसीलिए उन्हें द वॉल कहते थे. तो इसीलिए राहुल द्रविड़ एज इफ नाउ व्हाट वी कैन से अवर सोर्सेज जो हमें बता रहे हैं, जैसे कृष्णेंदु ने बताया कि मोस्ट प्रोबेबली ही विल एक्सेप्ट इंटरिम कोच फॉर न्यूजीलैंड. उसके बाद चांसेस बहुत कम है और हम नया कुछ देख सकते हैं, राइट? कोई और कंटेंडर आपको याद आ रहा है बन सकता है जो लाइक नहीं जितना मुझे बताया कि फॉरेन कोचेस शायद ना बने इस बार ना बने. ओके क्योंकि बिकॉज़ ऑफ कोविड सिचुएशन एंड रिस्ट्रिक्शंस बबल इतने बाय बबल हैं, राइट? सो मोस्ट ऑफ द फॉरेन कोचेस आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन कोचिंग फॉर लॉन्ग टाइम बिकॉज़ इंडिया प्लेज अराउंड 50 मैचेस साल में खेलना है पूरे एंड ट्रैवल इज सो मच वांट्स टू टेक अप द जॉब फुल टाइम. बिल्कुल. So that is why Vijay is looking at an Indian coach. और अनिल कुंबले का नाम भी फ्लोट इन हो रहा था क्या है ना, बट एज ऑफ ना मुझे डाउटफुल है. हाँ, apprehension है. Inside Vijay, inside भी. Only Saurav Ganguly was very willing to give him, right? Yes. But Vijay is not going to approach अनिल कुंबले. अनिल कुंबले is never going to apply again. चलिए, ये अभी अनिल कुंबले के बारे में हमने बता दिया आपको. राहुल द्रविड़ के जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी कि कौन नए एप्लीकेंट आए हैं जो कोचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वी विल लेट यू नो और आपको बताएंगे. सबसे पहले बताएंगे आपको कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं. एज इफ नाउ अगेन आई विल रिपीट, राहुल द्रविड़ इंटरिम कोच फॉर न्यूजीलैंड बन सकते हैं. राइडर है अभी, लाइक कन्फर्म न्यूज नहीं है लेकिन चांसेज हैं. और उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए We don't think so. शायद डिसीजन आ जा सकता है. The first match against Pakistan in T20 World. Oh yes, हाँ, 24 अक्टूबर को इंडिया इज प्लेइंग पाकिस्तान, तो उससे पहले चांसेस हैं कर दें. और उसी के अराउंड आई गेस 24 अक्टूबर 25 अक्टूबर को इनफैक्ट फ्रेंचाइज दो जो ऐड हो रही हैं उस पर भी डिसीजन ले रही है BCCI कि कौन से वो दो शहर हैं और कौन से वो घराने बोलूंगा मैं, कौन से वो बिजनेस हाउसेज हैं जिनको ये टीम मिलेंगी. अहमदाबाद भी हो सकता है, कानपुर भी हो सकता है, और भी कई सिटीज हैं जो फ्रेम हैं. लेट्स सी क्या होता है. उस पर भी सेपरेट करेंगे, उस पर भी लाइव आएंगे आपके सामने, आपको बताएंगे. एज ऑफ नाउ सौरभ वेदुवंशी एंड कृष्णेंदु आपको बाय बाय बोलते हैं. आप देखते रहिए इनसाइड स्पोर्ट्स फॉर ऑल द स्पोर्ट्स न्यूज ब्रेकिंग न्यूज़. और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.